आज के इशारे में कहा जाए अगर कि शादाबाज ने कहा था कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और मुस्लिम फकत इंसान लिख देना। लिखने वालों बस तुमसे यही इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। हिंदुस्तान के हवाले से ये भी कहा गया कि कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है। कलीम साहब ये शेर सुने, कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीरे वतन मैं से नहीं हम, कोशिश ये ज्यादा से न कुछ कम से हुई है, तामीरे वतन मैं से नहीं हम से हुई है। हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा एक ऐसी खता, हर हाल में नस्लों को भुगतना ही पड़ेगा एक ऐसी खता साहिबे आलम से हुई है। सामने निगराम ये हिंदुस्तान जो गंगा जमुनी तहसीबी तहसीब यानी राष्ट्रीय एकता का ये पूरे देश में पूरी दुनिया में आज के हिंदुस्तान जैसा पूरे मुल्क में कोई देश नहीं है। अगर इसमें बात की जाए, इसके हवाले से आपसे गुफ्तगु की जाए, वक्त कम पड़ जाएगा, मैं बात नहीं छेड़ना चाहता वरना काफी वक्त नहीं ले लूंगा आपका। इस वजह से मैं जब मैं देखा शुरा इकराम की फेहरिस्त जो है बड़ी लंबी है, बड़ी तवील है, तो इसलिए मैं अपने आप को हल्का सा माइनस में लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको जगाने के लिए हल्का फुल्का काम करना पड़ेगा मुझको आज की रात। आइए इस वक्त एक शायर के हुजूर फिर आपको लिए चलता हूँ, वो शायर जो आपके अदरी से तशरीफ लाने वाला है एक शायर ओसामा ताबिश। ओसामा मैं सब नए नाम मेरे सामने आज के डाइस में है, दो तीन नाम जैसा सद आजमी है, सब सब नए नाम है और मैं बैठा हूं तो नाम लिख लिख के मेरे पास आ रहे हैं ये हैं। और एक नाम से कई शायर हैं, ओसामा ताबिश भी हैं, ओसामा सादिक भी हैं, और ओसामा नाम से दो तीन नाम मेरे इसमें फहरिस्त में है, इसलिए मैं कंफ्यूजन में आ गया था। आइए ओसामा सादिक का इस्तकबाल करिए तालियां बजा करके, ताकि इनको लगे कि हम कोपागंज में गए, वहां एक तारीखी प्रोग्राम हुआ, वहां के लोगों ने बड़ी मेहनत दी, मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ, तालियां बजा के इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुशायरा शाहिद रिहान साहब, अबू जर भाई और साथ ही साथ ओसामा ताबिश साहब का, इन्होंने मुझे मौका दिया। आइए यहाँ से एक नज्म पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करने कि ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि एक जा चीज क्या तुझ पे सौ जाने थी, एक जा चीज क्या तुझ पे सौ जाने थी, कल भी कुर्बान थी अब भी कुर्बान है, कल भी कुर्बान थी अब भी कुर्बान है, तू मेरी जान मने ऐ वतन 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 वाह वाह के अपने बेटों का सर गम ने तुमको दिया, फांसी के तख्त को चूम गम ने लिया, फांसी के तख्त को चूम गम ने लिया, अपने खून से तेरी मांगे हमने भरी, अपने खून से तेरी मांगे हमने भरी, अपने खून से तेरी मांगे हमने भरी, हम शहीदे वतने ऐ
वतन गए वतन क्या कहते हैं वतन के इनकलाबी परिंदों को परवाज दी तेरी मिट्टी ने जब हमको आवाज दे तेरी मिट्टी ने जब हमको आवाज दे इनकलाबी परिंदों को परवाज दी तेरी मिट्टी ने जब हमको आवाज दे तेरी मिट्टी ने हम तेरी मिट्टी ने जब हमको आवाज दी आ गए सामने लाज रखें तेरी आ गए सामने लाज रखें तेरी सर पे बांधे कफन ऐ वतन ऐ वतन अरे वाह 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 क्या कहते हैं ऐ वतन वाह 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 वतन बहुत खूब भाई बहुत अच्छा अंदाज में नई नस्ल के जितने शायर आए एक से एक अंदाज में उन्होंने अपना कलाम पढ़ाया सुनाया अच्छा अंदाज लगा इन लोगों का आइए अब आप ही से दयाल